हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो चीज़ों के बारे में, मैं टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। पहला है अकोमोडेशन के बारे में। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरी अकोमोडेशन का क्या सिस्टम रहा था, पहले तो मैं वो बताऊंगा। दूसरी पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी मिल सकती हैं और किन किन के वीज़े आ रहे हैं, किन किन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ताकि आप वो ऑप्ट कर सको। अगर कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो इतने जो मतलब GO8 यूनिवर्सिटीज़ है, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या ऑप्शन है, सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, बैकअप ऑप्शन। आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगा। तो वही वीडियो को पूरी देखना ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाएं, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो लेट्स गो। तो मैं ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, 2022 के एंडिंग में आया था, सितंबर के आसपास, तो मेरा यहाँ पे कज़न ब्रदर है, उसने मेरी अकोमोडेशन करवा दी थी। बट द थिंग इज़ कि उसने जहाँ पे अकोमोडेशन करवाई थी उनकी जो लीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी एक हफ्ते के बीच में। एक हफ्ते में मेरा मेरे को सारा बोरिया बिस्तरा उठा के कहीं और जाना पड़ा। कहीं और भी जहाँ पर भी बात चल रही थी वो भी उसने करवाई थी, लेकिन वहाँ पर भी टेम्प्ररी थी। 1 महीने के लिए रहा था, 1 महीने के लिए कह रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए मैं वहाँ रहा था। और वो कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अगर मैं साउथ में आया था तो वो नॉर्थ में था। तो आपको पता ही है कितना डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना लगता है। वहाँ पे 1 हफ्ता रहा, उसके बाद मतलब मेरी कोई परमानेंट अकोमोडेशन हुई नहीं थी। 2 हफ्ते बंदा अकेला होता है, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है ना, कि जब वो नया कंट्री में शिफ्ट करता है और उसकी अकोमोडेशन परमानेंट नहीं है, उसको कहीं पे इधर मूव करना पड़ रहा है, इधर मूव करना पड़ रहा है। तो थिंग इज़ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन जो थर्ड हुई थी, मतलब 2-3 हफ्ते के बाद मेरे को अकोमोडेशन मिल गई थी, और वहीं पर मैं आज भी रह रहा हूँ। तो मेरे को 1.5-2 साल यहाँ पर हो गए हैं रहते हुए। तो ये भाग दौड़ आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए आपको प्री बुक करके आनी चाहिए अपनी अकोमोडेशन अपनी होम कंट्री से। प्री बुक करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो एम्बर स्टूडेंट की। एम्बर स्टूडेंट क्या है? एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट अकोमोडेशन बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि 800+ यूनिवर्सिटीज़ के आसपास आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देगा। यू नेम द कंट्री, दे आर प्रेजेंट इन देयर। UK में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, आयरलैंड में देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो, मतलब कोई भी कंट्री में अगर आपको स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जाना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, और आपको घर बुक करना है या फिर आपको अकोमोडेशन बुक करनी है, आपको हॉस्टल बुक करना है बेसिकली, तो आप हेल्प ले सकते हो एम्बर स्टूडेंट की। तो एम्बर स्टूडेंट वर्क कैसे करता है? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है जेम्स कुक यूनिवर्सिटीज़, तो ब्रिस्बेन में, तो मैं सर्च करूँगा जेम्स कुक यूनिवर्सिटी और देखूँगा कि कितने क्या क्या सीन आता है। तो 219 में जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के पास में ही मिल रहा है, उसमें कार पार्क भी मिल रही है, लॉन्ड्री भी मिल रही है। तो बेसिक नीड्स आपकी एज अ हॉस्टल में पूरी हो जाएंगी, स्टूडेंट अकोमोडेशन में पूरी हो जाएंगी। तो आई हाईली रिकमेंड यूजिंग एम्बर स्टूडेंट फॉर बुकिंग। क्यों? क्योंकि यार ये जेन्युइन है, क्योंकि मेरे यार दोस्त, मतलब यार दोस्त कह रहा हूँ, भाई बंधुओं ने यहाँ से बुक किया हुआ और उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और उनको वो मतलब वहाँ पे लीज़ उनकी एक्सटेंड भी हो गई है, अगर उन्होंने एक्सटेंड करनी है, अगर उन्होंने ख़त्म करनी है उनकी ख़त्म भी हो गई। तो ये नहीं है कि आप वहीं पर अड़े रहोगे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे बुक कर सकते हो, वैसे छोड़ सकते हो। सो द थिंग इज़ कि आप एम्बर की हेल्प ज़रूर लें। अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पे कोई नोन नहीं है, अकोमोडेशन ज़रूर बुक करके आएँ, ताकि आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, बेंचों पे ना सोना पड़े, एयरपोर्ट पे ना सोना पड़े बेसिकली। सो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पास रूम चेक करना है, फटाफट मेरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, अपनी सिटी का नाम डालो, वहाँ पे आपको सारी रिकमेंडेशंस हो जाएंगी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी के पास है और कितने कितने बजट में है, बजटिंग करके आओ। चेकआउट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी सस्ती है, कौन सी क्या सिस्टम है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंसल्टेंट जो होते हैं उनके पास हर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके टाई अप्स होते हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनको टाई अप होंगे वही आपको वो रिकमेंड करेंगे, आपको पेज पर लिख के देंगे। पहली बात मेरी समझ लो। दूसरी बात है कि जो भी मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूँ, हो सकता है कि वो आपके कंसल्टेंट के पास ना हो। तो ऐसा करें, आप 2-3 कंसल्टेंट के पास जाएं, अगर नहीं है उसके सेकंड बेस्ट ले लें, 3, मतलब मैं 5 ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, कोई भी आप यूज़ कर सकते, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपके कंसल्टेंट के पास अवेलेबल है। और कंसल्टेंट के पास अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो कंसल्टेंट जो सी भी चीपेस्ट ऑप्शन दे रहा है वो ले लो। आई नो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ का वो चला हुआ है, क्या कहते हैं, ट्रेंड चला हुआ है कि वही उस पर ही वीज़ा आएगा, मतलब एजेंट्स ने ये चलाया हो, उस पर ही वीज़ा आएगा, उस पर ही फीस जाएगी, या फिर जो भी है, जो भी, वो आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप वो फेस कर रहे हो सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि GO8 जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो है, लेकिन वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ऐसा ना हो वो अपने सपने लेके आए और यहाँ पे अगली फीस ना निकले और वो उसके सपने टूट जाएँ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी, मतलब ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप ज़रूर जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें हायर वीज़ा चांसेस है, आई नो उसमें हायर वीज़ा चांसेस है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप वहाँ पर ना जाओ, जो कि मैं भी नहीं गया, मेरे को भी ऑप्शंस मिली थी,
कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन मैं नहीं गया, मैंने जेम्स को चूज़ करी। क्यों? क्योंकि ये अफोर्डेबल थी, मेरे को लगता था कि मैं वहाँ पे जाके फ़ीस निकाल लूँगा। ये तो पहले पॉइंट क्लियर कर लो कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप किसी भी पुट्ठा पंगा ना लो इतनी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी में जाके, क्योंकि फ़ीस नहीं निकलेगी। फ़ीस आजकल नहीं निकल रही है, ना ही जॉब्स हैं, ना ही मतलब अकोमोडेशन है, मतलब थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा। हो सकता है कि आप जब भी आओ, नेक्स्ट ईयर आओ, तो ट्रैक पे और आ जाए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लेवल टू यूनिवर्सिटी में भी आए हैं, जिनके वीज़े आए हैं, जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को डीएम आते रहते हैं। तो लेवल टू यूनिवर्सिटी के वीज़े रिजेक्ट भी हुए हैं। बट द थिंग इज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब जो ग्रुप ऑफ एड यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा चांसेस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन योर यू नो यूनिवर्सिटी का नाम, बट आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट कैसे आपकी फाइल फ्रेम करता है, कैसे वो उसको एक्सप्लेन करता है आगे, कैसे वो अप्लाई करता है, जैसे वो पीछे बैठ के करता होता है, आपको नहीं दिखाता बट करता होता है, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो पहली बात तो कंसल्टेंट अच्छा चुनो, ऐसे नया नवेला कंसल्टेंट मत चुनो, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट चुनो। दूसरी बात ये है कि आप जितनी प्रोफाइल अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, जितने आइल्स के बैंड इम्प्रूव कर सकते हो, जितने अपनी परसेंटेज इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप प्लस वन प्लस टू में हो या फिर आप बैचलर्स कर रहे हो, तो करो। वीज़ा चांसेस ऑल ओवर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, आपके फाइनेंशियल्स पे भी डिपेंड करते हैं, नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी के नाम पे डिपेंड करते हैं। ये मेरी पहली बात सुन लो। और लेवल टू यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके वीज़े आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ग्रुप ऑफ एड में भी आप अप्लाई करोगे, आपके वीज़े आ सकते हैं और आपके वीज़े रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके क्राइटेरिया ही हाई होंगे। तो द थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा संभाल के चलें और अपनी भी थोड़ी नॉलेज लगाएं, अकेला किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। 4-1 यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करूँगा जो मेरे, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, मतलब मेरे वहाँ पे नोन्स पढ़ रहे हैं और उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया, उन्होंने मेरे को फ़ीस बताई है। मैं फ़ीस तो नहीं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन क्योंकि स्कॉलरशिप डिपेंड करती है, किसी की 25% है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको, आप ये यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपकी और फ़ीस सस्ती हो सकती है जितनी लिखी हुई है वहाँ पर वेबसाइट। ठीक है, पहली बात तो मैं आपके अपनी यूनिवर्सिटी ही रिकमेंड करूंगा, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। उसकी फ़ीस, मतलब मैं अपनी फ़ीस, चलो मैंने कितनी वीडियोस में दिखाई भी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी फ़ीस अराउंड 10,000 है पर ट्राइमेस्टर, तो मेरी मतलब 30,000 साल की लगा लो, और बैचलर्स की मतलब 2.5 ईयर्स की है, तो मेरी अराउंड 70,000 70,000 जानी है। देखेंगे कितनी जानी है वो भी आपको बता देंगे बाद में, कि कितनी टोटल इतनी मेरी, कैसे मैंने फ़ीस भरी, कैसा गया, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जेम्स कुक यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन केन्स वाली या फिर कोई और कैंपस मत यूज़, मतलब मत चूज़ करना, सिर्फ ब्रिस्बेन कैंपस चूज़ करना। कैंपस छोटा है, मॉडरेट स्टडी है, लेकिन द थिंग इज़ के आप ब्रिस्बेन में आपको काम ज़्यादा मिल पाएगा केन्स के कंपेरिटिव। तो पहली तो मेरी यूनिवर्सिटीज़ होगी जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, और आप, मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, सारे कोर्सेज अपना, जो भी आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, जो भी आपने कोर्स सर्च करना होगा, कोर्स सर्च करना, वहाँ पे अमाउंट आएगी। अमाउंट में से अगर आप लकी हो गए तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप माइनस करके देख सकते हैं, बाकी वो भी एजेंट पे डिपेंड करता है, स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो सस्ती है, अगर नहीं मिलती तो फिर वो छोड़ दो उसको। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है जी फेडरेशन यूनिवर्सिटी, इसका कैंपसेस मेलबर्न में काफ़ी है, अगर किसी को मेलबर्न जाना तो ये यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकता है। थर्ड यूनिवर्सिटी इज़ टॉरेंस यूनिवर्सिटी, टॉरेंस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है हमारे पास ही, हमारी यूनिवर्सिटी के, लेकिन मतलब अच्छी है यूनिवर्सिटी, ठीक है, बट काफ़ी सस्ती है यूनिवर्सिटी। टॉरेंस यूनिवर्सिटी काफ़ी सस्ती है, और इनके कैंपस एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन, मतलब पांच 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 जगह है, आपको कहीं भी जाना है ऑस्ट्रेलिया में तो टॉरेंस यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन द थिंग इज़ अगेन, वीज़ा चांसेस। फोर्थ यूनिवर्सिटी है जी चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, लेकिन ये नॉर्दर्न टेरिटरी में है। नॉर्दर्न टेरिटरी क्या है, स्टेट है, जैसे क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है, वैसे नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। अगर आपके वहाँ पे नोन्स है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे नोन्स नहीं है तो मत जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिवर्सिटी है चार्ल्स स्टूट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पोर्ट मैक्वारी में है, सिडनी में है, मेलबर्न में है, तो इनके कैंपसेस भी काफ़ी जगह हैं, आप एक बारी चेकआउट करें इनको। पांच यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है कि इससे भी चीप यूनिवर्सिटी आपके कंसल्टेंट के पास हो, और हो सकता है इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आपके कंसल्टेंट के पास नहीं हो, तो इट डिपेंड्स ऑन किस्मत एज वेल कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है। लेकिन मैंने आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रुप ऑफ एड यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो और आपकी फ़ीस नहीं निकल रही, तो आप इनमें से कोई यूनिवर्सिटी में ट्रांजिशन कर सकते हो, मतलब अपना सेम कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, बेसिकली सेम कोर्स रख के। तो इसलिए भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि ग्रुप ऑफ एड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी टॉप की होगी, आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी एवरेज होगी एंड टाइम थोड़ा आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर ऑल, आफ्टर बैचलर्स, आफ्टर मास्टर्स, आपको जॉब खुद ही ढूंढनी है, तो यूनिवर्सिटी का नाम मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है।
आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको अपने नेटवर्क पे काम करना है, ये मैं बार बार कहता हूँ, जॉब प्लेसमेंट वाली वीडियो में भी मैंने बोला था, एंड ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ मैंने रिकमेंड करनी थी। गुड लक टू यू, आप जो भी अप्लाई कर रहे हो, और किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकता है।